अपना सिम नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको फोन नंबर देना पड़ेगा जो आपके पास ऑलरेडी है। ओटी का लाइसेंस बनवा देना, लेकिन सिचुएशन देख के। तो ये आपने पैसे खर्चने शुरू कर दिए, आते ही आपने $2,000-3,000 खर्च दिए लाइसेंस के ऊपर और आपने बोला ये इन्वेस्टमेंट है, आते ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो है ना जो ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक की जब मेरे एक फ्रेंड जो अभी कनाडा पहुंचने वाला है उसने मेरे से पूछा कि भाई कनाडा में आते ही क्या क्या चीज़ें करनी है। तो उससे मुझे अपना याद आया कि यार मैंने ना कुछ गलतियां की थी कि मतलब पहले जो उनसे प्रोसेस बाद में होना चाहिए था वो पहले कर दिया था। और स्टूडेंट्स भी यही गलती करते हैं, पहले रिज्यूमे बनवा रहे हैं, फिर जीवन बनवा रहे हैं, फिर सिम नंबर लेने जा रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। तो इसका एक प्रोसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और उसके रीजंस भी आपको साथ साथ पता चलते जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट इट विद दिस वीडियो। जैसे ही आप कनाडा में लैंड करोगे ना, आपको तो जो मौसम है ना भाई, मज़ा आ जाएगा देख के। जोक्स अपार्ट, आप जहाँ पे भी जा रहे हो अपने सबसे पहले वहाँ का जो बस सिस्टम है उसको समझना है। अगर आपको वहाँ पे बस पास की ज़रूरत है तो ले लो, नहीं तो कॉलेज से अगर मिल रहा है आते ही तो कॉलेज से बस पास इशू करवा लो। उससे होगा ये कि आपका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा और उसके बाद आपको लेने जाना है सिम। अब इसके बाद सिम क्यों लेने जाना है, जब आप सिम नंबर ले लोगे अपना, तो जैसे ही आपके पास फ़ोन नंबर आ गया उसके बाद आपने सीधा करना है बैंक में कॉल। मतलब जो तीसरा काम है वो आपका बैंक अकाउंट ओपन करवाना है ताकि जो GIC है तो वो पैसे जो आपके GIC वाले हैं वो आपके अकाउंट में आ जाए। और उसके बाद आप जाओगे अपना सिम नंबर लेने। अब इसके बाद जब आपने सिम नंबर ले लिया उसके बाद आप बनाओगे अपने एक रेज्यूमे और उसके बाद आप करोगे जॉब्स अप्लाई। जब आप कर रहे होगे, भगवान ने चाहा अगर आपको जॉब मिल गई, जो कि अभी कनाडा में मुश्किल चल रहा है, तो आपको अपना सिम नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको फ़ोन नंबर देना पड़ेगा जो आपके पास ऑलरेडी है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं जो आपको पहले करनी है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो ट्राई करो जीवन लाइसेंस बनवा लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा में। आपकी आइडेंटिटी की तरह यूज़ होता है कनाडा में आपका जीवन लाइसेंस। आप हर जगह पासपोर्ट लेके नहीं घूम सकते हो, तो भाई जीवन ज़रूर बनवा लेना। उससे आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है ना आपका जी लाइसेंस में वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज जितनी जल्दी जीवन बनाओगे उसके बाद आपको G2 बनाना है और उसके बाद आपका जी लाइसेंस बन जाएगा। मतलब जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। आप अगर आओगे मई में और आप अपना लाइसेंस जो है G1 बना रहे हो आप अपना अगस्त में, तो आपको उसके बीच में प्रोसेसिंग टाइम 8 महीने लग जाएगा, तो वो टाइम वेस्ट हो गया जो पहले वाला टाइम है। तो जैसे ही आ रहे हो भाई 1 महीने के अंदर अपना G1 बनाओ। और इसके लिए जो पढ़ना पड़ता है वो आराम से आपको वेबसाइट्स पे आपको सीधा G1 Ontario सर्च करना है या फिर G1 Canada सर्च करना है। आपको सारे रूल्स सारे वो PDF वगैरह सब मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना वो डाउनलोड कर सकते हो, उस PDF को पढ़ सकते हो। 1-2 दिन के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3-4 घंटे के अंदर वैसे हो जाता है दिल लगा के पढ़ोगे तो। 1-2 दिन लो, अपना जीवन दो, उसके बाद बाकी चीज़ें करो। और इसके बाद अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं तो आपने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा देना, लेकिन सिचुएशन देख के। ऐसा नहीं है कि भाई जेब से पैसे भी जा रहे हैं आपके और आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस तो मिल गया बट वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। लोकेशन के हिसाब से अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाना या फिर थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है। जब आपके पैसे थोड़े से आ जाए, आपकी जॉब लग जाए, उसके बाद सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा लो, फोक लिफ्ट का बना लो। मतलब तरीके से चलना फाइनेंस को लेके अपने। ये नहीं कि भाई आते ही आपने पैसे खर्चने शुरू कर दिए, आते ही आपने $2,000-3,000 खर्च दिए लाइसेंस के ऊपर और आपने बोला ये इन्वेस्टमेंट है, आते ही ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यार यही सब था जो आपको ध्यान रखना है। ये पूरा एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है इसकी, इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। तो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं पूरी वीडियो से कि क्या क्या करना है आपको पूरे स्टेप्स में। तो सबसे पहले आपको लेना है एक बस पास, चाहे वो कॉलेज से हो चाहे वो आपको पैसे देके खर्च करना पड़े, ट्रांसपोर्टेशन ईजी करनी है अपनी। उसके बाद आपने लेनी है एक सिम ताकि आप फोन वगैरह कर पाओ। सिम के बाद आपने लेना है अपना GIC अकाउंट, उसके बाद आपने लेना है सिम नंबर, उसके बाद आपने बनाना है अपना रिज्यूमे, जॉब्स अप्लाई करना है और उसके बाद आपने अपना जीवन बनाना है आपके पास अगर टाइम बच रहा है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो। बाकी अपना ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोसेसेस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।